हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्नो लाइफ चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव कई सारे तरह टाइप से क्रिएट होता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर से होता है और दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट से। तो हम लोग आज कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए CMD टाइप करना होगा। जैसे CMD टाइप करके इस पर ओके कर देंगे और ये हम लोग क्राउन प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। इसमें हम लोग को टाइप करना है डिस्क पार्ट टाइप करके ओके कर देना है। इस पर यस पे क्लिक कर देना है, फिर एक ये क्राउन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को लिखना है लिस्ट डिस्क, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो स्टोरेज डिवाइस इसमें है, एक मेरा हार्ड ड्राइव है इसका, और दूसरा है इसका पेन ड्राइव। दूसरा जो पेन ड्राइव बूटेबल बनाना है वो इसमें लगाया है। तो हमको दूसरा सेलेक्ट कर लेना है, जो पेन ड्राइव वाला है वो डिस्क को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम सेलेक्ट करने के लिए लिखना है सेलेक्ट डिस्क वन, उसके बाद इंटर कर देना है। देखिए हम लोग का सेलेक्ट डिस्क वन सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद फिर क्लीन टाइप करना है, उसको हम लोग को फॉर्मेट करना है, इसलिए उस पर क्लीन क्लिक करना है। देखिए डिस्क पास सक्सीड इज क्लीनिंग इन द डिस्क, ये क्लीन हो गया। उसके बाद पार्टीशन उसमें क्रिएट करने के लिए इसमें टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, उसके बाद ओके कर देना है। फिर इसके बाद यहां पे टाइप करना है सेलेक्ट पार्टीशन वन, फिर ओके कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्टिव करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए एक्टिव पे क्लिक कर देंगे, एक्टिव यहाँ टाइप कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। देखिए अब पार्टीशन यहाँ एक्टिव हो चुका है। अब इसको बूटेबल बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ टाइप करना है, फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS। देखिए यहाँ पे 0% अभी हुआ है बूटेबल, कुछ टाइम बाद ये 100% हो जाएगा, 1-2 मिनट या 5 मिनट लग सकता है। यहाँ पे 100% हो गया है, यहाँ पे 100% हो गया और हम लोगों का पेन ड्राइव भी बूटेबल हो गया।